खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विगत दिनों फायरिंग कर युवक को किया था घायल। युवक आरोपियों ने फायरिंग कर फैलाई थी दहशत। आरोपी पैसे लेकर करते थे फायरिंग, जहां पूर्व में भी घटना को दे चुके थे अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को 2 पिस्टल, 1 तमंचा और 4 कारतूस जिंदा बरामद किए हैं और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जहाँ थाना ताजगंज पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस पूरी घटना की जानकारी डीसीपी पश्चिम सोनम कुमार ने दी है। क्या मामला ये पड़ गया क्योंकि 21 तारीख को ताजगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई और वहाँ पे जोन मिल्टन पब्लिक स्कूल के पास एक गार्ड है और एक व्यक्ति थे, उन्होंने इससे बात की थी और भी सागर उसका ध्यान है, व्यक्ति को गोली चला दी थी। उसने व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया गया था, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। इस क्रम में 3 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, दर्श गौतम, रमन चौधरी और अभिषेक शर्मा। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनसे जो पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि जो ये असलहे थे, ये 2 व्यक्ति हैं मयंक यादव और मिथुन यादव, इनसे लेते थे और घटना कारित करने के उनको वापस कर देते। इन्होंने पहले भी घटना कारित की है। 2022 में एक घटना हुई थी बरौली अहर पंचायत घर के पास, जहाँ अंकुश नाम के व्यक्ति के ऊपर भी गोली चलाई थी और इसी तरह से उसी मोडस ऑपरेंडी करते हुए वाली घटना की गई, जिसमें कुरान रंजीत में शाहरुख नाम के व्यक्ति को गोली चलाई। इनके पास से हम लोगों ने 2 पिस्टल, 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और एक विधि कार्रवाई की। फायरिंग का मुख्य कारण क्या रहा था? पुरानी रंजिश थी शाहरुख नाम के व्यक्ति के साथ, उसी की तरह की रंजिश थी। इन दोनों लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, इससे ये संबंध है? देखिए, वो अभी वांछित हैं। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 3 लोग वांछित हैं, जिनके पास से लोग हथियार लेते हैं। इसके सीज होने लगे हैं, जो पिस्टल है ये जो है गंभीर है, तो उसके लिए भी विशेष कारण है। इसमें देखिए 2 पिस्टल है और 1 तमंचा, तो ये सब उनके पास से लोग लेते थे। घटना कारित करके उनके वापस दिए, तो इस क्रम में की जा रही है। रंजीत जो है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी डिटेल्स मिलेंगे आपको।